यूपी के जालौन में होली के मौके पर शराब के नशे में धुत दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां पर बेखौफ दबंगों ने थाने में तैनात एक सिपाही के साथ जमकर मारपीट की और बेरहमी से पीटते हुए घायल कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि पूरी मारपीट की घटना कोबरा के सिपाहियों के सामने की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये पूरा मामला जालौन के कदौरा थाना इलाके के पूर्वा इलाके का है, जहां कदौरा थाने में सिपाही वीरेंद्र मुंशी के पद पर तैनात है। शनिवार को वो अपने किराए के मकान में रह रहा था, उसी दौरान मोहल्ले के ही रहने वाले विशाल तिवारी शराब के नशे में धुत होकर आ गए और उसने सिपाही वीरेंद्र के साथ अभद्रता करना शुरू कर दी। हालांकि मोहल्ले वासियों ने बीच बचाव कराने का काफी प्रयास किया, लेकिन उस शख्स ने अपने भाई को भी मौके पर बुला लिया और सिपाही को जमकर पीटने लगे। मारपीट की पूरी घटना के दौरान सिपाही के कपड़े फट गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाने में तैनात कोबरा के दो सिपाही मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम ने मारपीट करने वाले दोनों भाई विशाल और विश्वास को हिरासत में ले लिया और 332, 353, 523, 504, 506 IPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना कदौरा में आज एक झगड़े की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिसकर्मी गए थे। जब पुलिसकर्मी वहां गए तो कुछ लोगों ने उन पुलिसकर्मियों के जो कार्य सरकार था उसमें बाधा डाली, और ये कार सरकार में बाधा डालने के जिन्होंने डाली थी उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ FIR पंजीकृत हो गई है और उनको जेल भेजा गया। अच्छा सर, सर क्या मामला था सर? क्या एक झगड़े की सूचना पर पुलिस वाले गए थे और उन पुलिस वालों के साथ उनका जो कार्य था करना शांति व्यवस्था कायम करने गए थे, तो उसमें कुछ लोगों ने खलल डाला और उनको अपना कार्य नहीं करने दिया। इस पर उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया और उन्हें जेल भेजा गया।